नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इनको तो पटा लिया, लेकिन इनका क्या करूं? ये तेरे घर आने का टाइम है। ओ माँ, क्या के ये टाइम टेबल? हाँ हाँ। उसी टेबल पर काम करने वालों की किस्मत में लिखा है। हम ठहरे टैक्सी ड्राइवर, कितने पैसेंजर मिल जाते, और आज तो कुछ कुछ ज्यादा ही मिल गए थे। बस बस, बातें बनाना तो कोई तुझसे सीखे, रोज रोज नए नए बहाने बनाता है। खाना बनाना माँ। हाँ हाँ, चल कपड़े बदल और खाना खा ले। शुक्र है जल्दी पड़ गई। घर में बहू आ जाए ना तब पता चलेगा, खुद बाप बनेगा ना तब तेरी समझ में आएगा कि बेटे के लिए माँ बाप की ममता क्या होती है। रोज रोज इंतजार करवाता है, खुद देर से आता है और इंतजार मुझे करना पड़ता है। माँ के लिए तो कभी कुछ सोचता ही नहीं। ओहो माँ, चल आज से तेरा ये टैक्सी ड्राइवर अपना टाइम टेबल बना लेगा। हाँ। वहाँ सूर्य देवता समंदर के अंदर, यहाँ तेरा गोविंदा घर के अंदर। घर के अंदर नहीं, घर के बाहर। क्या बोला बे? तुमसे नहीं, मैं मौसी से बात कर रहा हूँ। मौसी, मैं क्या कह रहा था, बाहर गाड़ी में लड़की। ए, लड़की वड़की क्या क्या भाग रहा है? बकरा नहीं बकरी, बाहर गाड़ी में। अच्छा अच्छा, तो अब समझी कि रोज 11-12 बजे क्यों आता है। चल उठ, मैं देखती हूँ। सही माँ, चुप, चल। ये तो वही लड़की है। माँ कसम से मैं इसे जानता नहीं, मैं देखा नहीं, कहाँ से आ गई मुझे नहीं मालूम। मजाक उड़ा रहा है, घर में ले ले। अरे माँ मैं इसे तू ले लेना। अरे संभाल ना, तेल लगाने के मैं नहीं उठा था। सुन तो, ओहो, अरे तुम लोग जरा हाथ लगाओ ना। हाँ हाथ लगाओ, संभाल के बाहर निकाल दो। हाँ ज्योतिष ने ठीक ही कहा था कि लड़की के चक्कर में पड़ो मत। क्या चुप, सोई है। ये क्या है? ये टैक्सी में लड़की को यहाँ लाने का जुर्माना। जुर्माना कैसा? जा बाहर जाके सो जा। अरे माँ तुम्हें मालूम है बाहर कितनी सर्दी है इसमें तो। चुप रहना। अरे तू जा बाहर जाके सो जा, मैं कहती। अरे तुम पागल हो गई, ये तो जा ना इधर। अब क्या है? उफ़। हाँ अब क्या है, मैं क्यों ऐसे बात कर रहा हूँ? चुप रहना, उठ जाएगी तुम। अरे उठ जाने तो, इसे बाहर निकालो। हाँ मैं कहती हूँ। पता नहीं कहाँ से आ गई। ज्योतिष ने ठीक ही कहा था कि बेटे लड़की के चक्कर में पड़ो मत। अब लो ना खाया ना पिया, ग्लास तोड़ा चारा ना। वाह, अपनी पूजा पाठ खत्म हो गई।
लेकिन मेम साहब की नींद का पार्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ। उठो महारानी, उठो। अलर्ट। कौन सा जानूर बंद मन देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत। अजी उठिए महारानी जी, उठिए। मुख के खाट पर ऐसे सो रही हो। परमानंद यार मन देवकी है। अलर्ट। मन कौन सा जानूर मर्दनम। क्यों बुझा बोल रहे हो तुम? परमानंद माधवम। याकुंदेन्दु तुषार हार धारा शुभ्र वस्त्र आवृता। अलर्ट। तुम्हारा तमाम मन। अलर्ट। क्या नहीं तू? अरे मां कहीं मर तो नहीं गई? जानूर मर्दनम देवकी परमानंद कृष्ण मंदे जगत गुरुम। अरे तेरी तो रोजी बात। याकुंदेन्दु तुषार हार। अरे उठते की नहीं? शुभ्र वस्त्र आवृता यानंद मंडित करा याशु महाकालिके महाचंडिके महिषासुरमर्दिनी ओम शांति शांति शांति। तुम? जी हाँ मैं, जिसने कल रात आपको बचाया था लेकिन आपने इस घर का कुछ नहीं बचाया। ये किसका घर है? है? है नहीं था, आपके उठने से पहले ये घर था, लोग इसे घर कहा करते थे, लेकिन अब लोग इसे कबाड़ खाना वीरान खाना कहेंगे। एक बात बताइए, आप पागल तो नहीं है ना? मेरी बात सुन। ओहो, क्यों तुम्हें तो मैं तू? ये कौन है? अच्छा तो मेरे घर में घुसकर मुझसे ही पूछ रही हो कि मेरी माँ कौन है? तू जा यहाँ से, इसके लिए चाय बना के ला। क्या? मैं इसके लिए चाय लेकर आऊँ? अरे ये सब तेरी वजह से हुआ। क्या मतलब मेरी वजह से? हाँ, किसी पराई लड़की को जगाने का ये तरीका होता है क्या? अच्छा तो मैं इसे गाना गा के सितार बजा कर जगाऊँ? दांत बंद, दांत बंद। अब तू जाना। तुम कौन हो बेटी? पिंकी। तुम अपने घर से झगड़ा करके निकल आई हो ना? नहीं। ये राई बराबर उम्र में इतना पहाड़ जैसा गुस्सा नहीं करते। जाओ अपने घर लौट जाओ, तुम्हारे माँ बाप परेशान होंगे ना तुम्हारे बिना। हमारे माँ बाप नहीं है, हम अकेले हैं। फेंक दिया साली। क्यों, लड़के में कोई खराबी थी? हाँ, वो जिस कंपनी की कड़वी कड़वी दवाइयाँ डॉक्टर अंकल हमें पिलाते थे ना, उसके साथ हमारी शादी करना चाहते थे वो। एक्सो कंपनी वाले से इनकी शादी होगी? कंपनी बंद करवानी है क्या? हमने इनकार कर दिया और नानू ने हमें थप्पड़ मार दिया। मेरी मानो तो तुम अपने घर लौट जाओ। हमारे यहाँ रहने से अगर आपको तकलीफ होती है तो ठीक है, हम यहाँ से चले जाते हैं, हम यहाँ नहीं रहेंगे, लेकिन लेकिन हम अपने नानू के घर नहीं जाएंगे। बेटी अगर तुमने मुझे माँ जी जबान से नहीं दिल से कहा है तो तुम मेरा कहना जरूर मानोगी। लीजिए। हाँ, चाय पीजिए। ले ले। या। क्या हुआ? हम चाय नहीं बोनवीटा पीते हैं। बोनवीटा पीते? हाँ, हाँ, तो मैं। रहने दे, अब झगड़ा छोड़ दे और इसे घर छोड़ा जा। हाँ? चलिए। मैं पुलिस में खबर नहीं करना चाहता। मगर क्यों खबर करना नहीं चाहते? मैं नहीं चाहता कि ये मामला घर से बाहर जाए। समझ गया समझ गया। पिंकी का जहां तूने रिश्ता पक्का किया है, अगर उन लोगों को खबर मिल गई तो रिश्ता टूट जाएगा। नहीं खान, मुझे उस रिश्ते का डर नहीं है, मुझे तो डर है तो सिर्फ उस हरामजादे का, उस जलील का जो मेरे घर को बर्बाद कर चुका है। पिंकी के भाग जाने की खबर उसे कानों कान भी नहीं होनी चाहिए। हमारी बेटी नहीं भागी बल्कि हमारे ससुर राय बहादुर के घर से नोटों की तिजोरी भागी है, और अब हमारा ससुर अपनी निवासी को तलाश नहीं करेगा बल्कि एक बाप अपनी बेटी को तलाश करेगा, और फिर वो बुढ़ा मुझे तलाश करेगा, और इस बार सौदा मेरी बोली पे होगा। दान भी मेरे, होंठ भी मेरे। जाओ हमारी बेटी को तलाश करके हमारे सामने लाओ।
Get out of bastards! नहीं, ये नहीं है। ये भी नहीं है। ओह। ये घर भी हमारा नहीं है। अरे मेन साहब, तुम्हारा बंगला है भी कि नहीं? कल तक तो यही था, था ना? वो आज पता नहीं कहाँ चला गया। सुबह सुबह और कोई नहीं मिला टांग खींचने के लिए? हाँ, ये देख रही हो, इन लोगों को टोपी पहनाना बहुत मुश्किल है। चलो अभी पतली गली देखो, चलो। अरे उतरो। चश्मा पहनकर घूर घूर कर क्या देख रही हो? चलो उतरो। ये चश्मा विलायती है और इस चश्मे से मुझे सब कुछ नजर आता है। क्या मतलब? मतलब जो मुझे नहीं भी दिखना चाहिए वो भी मुझे। मैं समझा नहीं। मुझे इस चश्मे से सब कुछ आईने की तरह एकदम साफ नजर आता है, जैसे तुम्हारी लॉन्ग पैंट के अंदर। धारा भी चलेगा? अरे धारा भी को गोली पड़ो, उसके चश्मे से सब कुछ दिखता है, समझा? अरे ये भाई कौन सी नई बात है, हम भी हमारे चश्मे में से सब कुछ देखता है। अरे उसके चश्मे में से कपड़े का अंदर का दिखता है, समझा? अरे तू फिकर मत कर, कुछ राजा नहीं, कुछ राजा किसी की बात ना नहीं, अंदर कुछ भी नहीं है। क्या क्या बाबा, चश्मा देखोगे? हाँ जरूर जरूर। आराम से, हाँ गिराना नहीं। नहीं 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 मैं चलो। चश्मे में से अंदर का तो कुछ भी नहीं दिखता है। मजा आया ना लेकिन? उल्लू बना दिया साला। हमको लोगों से बचा लीजिए। अब इस तरह आ जाओ, इस तरह आ जाओ, इतना चलो चलो। किसी की तो हमें तलाश है। चलो पीछे। चलो।
Could you come out? Could you please come out? Come. अरे क्या लफड़ा होने लगा है? चलो उठो। गोविंदा। हाय। अरे फिर क्या हुआ? अरे माँ पूछो मत। उसने तो अखी बंबई की पब्लिक को हिला डाली। अच्छा? 25 लीटर पेट्रोल खलास। क्या धंधा खराब। हाँ? 2000 मकान देखे और एक जगह उतर गई। अच्छा हुआ अपने घर से चली गई, नहीं तो अपने मकान का साला आजाद मैदान था। मौसी, क्या है रे? वही लड़की वापस। अबे टकलो, तेरी जात का चल चल रास्ता ना। अरे डिक्की में है, डिक्की में। डिक्की में? डिक्की तो नहीं देखा था। टकलो का टकला नहीं फोड़ दिया ना। मेरा नाम गोविंदा नहीं, वो तो डिक्की में लड़की है। मेरी आंखें नहीं है क्या? देखो अपनी आंखों से देखो। देखती हूँ। माँ, मुझको बहुत भूख लग रही है और नींद भी आ रही है। चल आजा घर में, आजा घर में ही खा लेना। हाँ वो आ गया। तू डर क्यों है? अरे अरे बाबा इसे घर से नहीं निकाल रहा हूं, मुझे चद्दर चाहिए। उठो ले जा, बाहर सो रहा है। सुनो, सुनो नहीं सुनिए। अच्छा सुनिए, बोलिए। आज रात को आप इधर नहीं सो सकते क्या? माजी जा, माजी क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आज रात को ये अपना घर समझकर इधर सो जा? इधर नहीं सो सकता। चुप सुन, अरे साला अपना तो नसीब ही खराब है, कुत्ते ने भी पेशाब कर दिया। ये गोविंदा शराब तो? अरे नहीं नहीं नहीं। अच्छा अच्छा, क्योंकि क्या है कि ये जो पति लोग होते हैं ना ये तू चुप बैठ। अरे माँ, गोविंदा ने क्या लड़की पटायला है? टैक्सी से सीधा अंपाला कार। ले पिंकी कहाँ है? पिंकी? हाँ पिंकी। ए भाई अपना दिमाग मत फिरा क्या, पहली बार बम्बई में ठंडी गिरा ली, गरम मत कर, चल फोट। चलो बेटी। अरे दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। Thank you.
अच्छा माँ जी, हम चलते हैं। हमारी वजह से आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, आज तो इनका खून तक बह गया। अब हम यहां नहीं रहेंगे माँ जी, हो सके तो हमें माफ कर देना। मैंने तुम्हें इस घर से निकलवाने के लिए ये जंग नहीं लड़ी पिंकी। कल तक मैं तुम्हारे इस घर में रहने के खिलाफ था, मगर आज से ऐसे दरिंदों से बचाने का जिम्मा